Hello everyone, this is Pratibha and welcome to Close to Nature. आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ अपने वादे अनुसार. लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं टमाटर के ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगी, तो मैं वही वीडियो लेकर आई हूँ. और सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है. और मैं तो अभी मेरे सर्दियों में काफ़ी पौधे ख़राब हो गए थे, तो हार ही गई थी. वीडियो बनाने का समय भी नहीं मिल पाता, छोटे छोटे दिन, बच्चों के एग्ज़ाम. तो पर लेकिन आप लोगों का प्यार, एक तो कमेंट तो इतने टचिंग हुए हैं कि हम आपकी वीडियो का वेट करते हैं. तो मैं अपने आप को आपसे दूर नहीं रख पाती. आज सुबह से संडे मैं तरस रही थी कि कब वीडियो बनाऊं, और अब मैंने ये पल चुराए हैं. ऊपर मैं कपड़े सुखाने आई थी और इसी दौरान मैंने सोचा मैं वीडियो बनाती हूँ. तो देखिए मेरा टमाटर का पौधा, ये दो पौधे हैं. पहले तो सिर्फ मैं ऑर्नामेंटल फ्लावरिंग यही सब लगाती थी, लेकिन जब से टमाटर लगाए हैं मज़ा ही आ गया. ये देखो कितने सुंदर लाल लाल टमाटर. और पूरी सर्दी खूब ही इंजॉय किया है मैंने इनको. ये तो नमक के साथ ऐसे लगाकर खाने में भी बहुत ही टेस्टी, क्योंकि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है. कोई केमिकल, कोई फर्टिलाइज़र कुछ भी इनमें यूज़ नहीं हुआ है. हुआ है तो उसे वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग कंपोस्ट. तो टमाटर को लगाने के लिए इसके बीज आते हैं बाजार से, अच्छी क्वालिटी के बीज आप लीजिए और उनको बो दीजिए. फिर छोटी छोटी सैपलिंग जब आ जाए हम उन्हें अलग लगा लें. और ये देखिए जितने फ्लावर्स दिख रहे हैं ना इसके ऊपर, यहीं पर टमाटर बनते हैं. तो ये कैसे लदा हुआ है. और ये दिन तो वैसे भी बड़े प्लीजेंट हैं, इन दिनों में इतना इनका खतरा नहीं होता है मरने का या कुछ. और ये मेरे इस इतना बड़ा मेरा ये पॉट है, इसके अंदर काफ़ी कुछ लगा हुआ है. मैं इस कनेर को यहाँ से निकालूंगी ताकि इनकी ग्रोथ अच्छे से हुए. तीन पौधे हैं और खूब अच्छे से लगे हुए हैं. ये मेरा पहले का पौधा है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लगभग 10-15 तो लग चुके हैं. तीन अभी और 2-5 अभी लगे हुए हैं. ये भी मैंने पहले बहुत कम से कम 10-15 मैंने इसके ऊपर टमाटर खा लिए. और इसकी यहाँ से ये एक ब्रांच फुटबॉल लग गई थी बच्चों की और ये टूट गई थी, लेकिन इसमें फ्लावरिंग अभी भी है तो इसमें अभी भी लगेंगे. ये भी लास्ट ईयर का ही, लास्ट उसका टाइम का ही पौधा है. इस पर भी काफ़ी टमाटर लगे हुए थे पर अभी इसके ऊपर फूल कोई नहीं आए हुए हैं, पर मैंने इसे छोड़ा हुआ है अभी भी. और दिखाती हूँ ये दो मेरे और टमाटर के पौधे, इनके ऊपर भी फूल आए हुए हैं. इतने से गमले में ही लगाए हुए हैं. ये गुलदावदी है, पहले इसमें गुलदावदी थी, फिर मैंने इसका तो सीज़न चला गया, इसको मैं यहाँ से निकाल दूँगी. और ये दो पौधे इसके अंदर हैं, दोनों ही इसके अंदर चल जाएंगे. इनकी बहुत ज़्यादा रूट्स नहीं होती हैं कि इसको बहुत स्पेस चाहिए. हाँ ये है कि थोड़े से बड़े होने के बाद में हमें इन्हें सपोर्ट ज़रूर देना होता है, ये लटक जाते हैं. एंड लास्ट ये मेरा टमाटर का पौधा, ये देखो इसके अंदर आपको दिख रहे होंगे टमाटर लगे हुए, कितने अच्छे से कितने सारे लगे हुए हैं. अंदर भी देखो आप कितने सारे लगे हुए हैं. ये एक इस गमले के इसके अंदर तो ना गागर में सागर वाली बात है. ये बहुत सारी मेथी लगी हुई है, ये धनिया देखो बीज आ गए हैं इस धनिए पर. पहले बड़े सुंदर वाइट फूल थे, बीज भी आ गए हैं. थोड़े से लहसुन है. ये टमाटर का पौधा, एक दो फ्लावरिंग प्लांट भी थे वो मैंने अब निकाल दिए. और ये कॉलियस भी है इसी के अंदर ही, तो मैं वैसे धीरे धीरे सब निकाल दूंगी, इसमें मैं टमाटर ही रहने दूंगी. और ये सबसे अच्छा हेल्दी लग रहा है मुझे नए प्लांट्स में. देखो कितने सारे इसके ऊपर टमाटर हैं, इधर भी कितने सारे हैं. आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया बहुत अच्छे से मेरे साथ, टमाटरों के साथ में. तो आप भी टमाटर उगाइए और उनको एंजॉय कीजिए, खाने में भी, देखने में भी, फील करने में भी. यहाँ इसमें तो खुशबू भी बढ़िया. टमाटर के मान लिया कोई पत्ते तोड़ती हूँ ना मैं, जैसे कोई सूखे हुए, तो बड़ी प्यारी स्मेल आती है उसमें से. तो आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दीजिएगा जल्दी से. और चैनल को कोई नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा. मिलते हैं फिर किसी नई ब्यूटी के साथ, कुछ नई बातों के साथ. जब तक के लिए बाय.